11. The name of the chapter is Means of Transport and Communication. Clear? Students, our today's exercise is discuss the reasons for the following statements. बच्चों आज की हम लोग की एक्सरसाइज है that discuss the reasons for the following statements. ठीक है बच्चों, आपको पता ही है कि आपको इसमें टू स्टेटमेंट्स दिया जाएगा जिसके लिए आपको रीजन प्रोवाइड करना है. क्लियर? आवर फर्स्ट स्टेटमेंट इज वी शुड कारपूल. बच्चों हमें कारपूल करना चाहिए. व्हाई? ठीक है कि हमें कारपूल क्यों करना चाहिए. क्लियर? सो इट्स आंसर इज वी शुड कारपूल टू प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट एंड सेव फ्यूल. स्टूडेंट्स हमें अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए और फ्यूल सेव करने के लिए ही कारपूल करना चाहिए. क्लियर एवरीवन? बच्चों मैं आपको इसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में भी दे सकती हूँ दैट व्हाट शुड वी डू टू प्रोटेक्ट आवर एनवायरनमेंट. बच्चों हमें अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए क्या करना चाहिए. ओके, फर्स्ट ऑप्शन इज कारपूल, सेकेंड ऑप्शन इज प्लांट मोर ट्रीज एंड थर्ड ऑप्शन इज नन ऑफ दीज. ओके, नाउ टेल मी दैट विच ऑप्शन इज करेक्ट. यस, आवर थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट. बच्चों हमें अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए कारपूल करना चाहिए, इसके साथ साथ अधिक से अधिक पेड़ भी लगाना चाहिए. दैट्स व्हाई बोथ ऑप्शन इज करेक्ट. क्लियर एवरीवन? आवर नेक्स्ट स्टेटमेंट इज वी रीड न्यूज़पेपर. नाउ टेल मी दैट व्हाई वी रीड न्यूज़पेपर. हम न्यूज़पेपर क्यों पढ़ते हैं? क्लियर? इट्स आंसर इज वी रीड न्यूज़पेपर टू गेट न्यूज़ अबाउट व्हाट इज हैपनिंग अराउंड अस. बच्चों हमारे आसपास क्या घटित हो रहा है इसके बारे में जानने के लिए ही हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं. क्लियर एवरीवन? स्टूडेंट्स नाउ वी हैव फिनिश्ड द रिवीजन ऑफ दिस चैप्टर. बच्चों आज हम लोगों ने इस चैप्टर का रिवीजन फिनिश कर लिया है. आवर नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर नंबर 12 टेकिंग केयर ऑफ द एनवायरनमेंट. ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट. स्टूडेंट्स फर्स्ट वी विल रीड अबाउट एनवायरनमेंट. नाउ व्हाट इज एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट इज एवरीथिंग दैट इज अराउंड अस. बच्चों जो भी हमारे चारों तरफ है वो सभी हमारा एनवायरनमेंट यानी कि पर्यावरण है. क्लियर? लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, एयर, वाटर, सॉइल एंड ह्यूमन बीइंग. बच्चों हमारे चारों तरफ जो भी चीजें हैं वे सभी मिलकर पर्यावरण का निर्माण करती हैं. लाइक एनिमल्स, बर्ड्स, वाटर, एयर, सॉइल, ह्यूमन बीइंग एटसेट्रा. क्लियर एवरीवन? स्टूडेंट्स दैट्स ऑल फॉर टुडे. नाउ इट्स टाइम टू डू द होमवर्क. क्लियर? स्टूडेंट्स योर होमवर्क इज डिफाइन द गिवन टर्म्स. बच्चों मैंने इसमें आपको 3 की टर्म्स दिया है जिसे आपको डिफाइन करना है. क्लियर? योर फर्स्ट की टर्म इज एनवायरनमेंट. नाउ व्हाट इज एनवायरनमेंट? एनवायरनमेंट इज एवरीथिंग दैट इज अराउंड अस. बच्चों जो भी हमारे चारों तरफ है वे सभी हमारा क्या है? एनवायरनमेंट है. क्लियर? नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन. नाउ व्हाट इज कम्युनिकेशन? कम्युनिकेशन इज द एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, मैसेजेस और इंफॉर्मेशन बिटवीन पीपल. ओके, नेक्स्ट इज मास कम्युनिकेशन. नाउ व्हाट इज मास कम्युनिकेशन? मास कम्युनिकेशन मींस टू कन्वे अ मैसेज टू मेनी पीपल एट अ टाइम. बच्चों एक ही समय में कई लोगों तक मैसेज पहुंचाना ही मास कम्युनिकेशन कहलाता है. क्लियर एवरीवन? दिस इज योर होमवर्क. ओके, एंड देयर इज नो क्लास वर्क फॉर टुडे. बच्चों आज के लिए आपका कोई भी क्लास वर्क नहीं है. दैट्स ऑल. थैंक यू.